गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माइंस मनाली एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मैं कैसी हालत में स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग, बट ये मैंने लगा रखा है हल्दी बेसन और दही का लेप। इससे पहले मैंने एक्सफोलिएट किया था, मतलब स्क्रब किया था, वो मैंने किया था चावल हनी और दूध से। अगर आपको फुल रूटीन चाहिए कि मैं कैसे अपना घर पे ही क्लीन अप करती हूँ, तो उसके लिए मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी फुल एकदम प्रॉपर तरीके से। अभी फ़िलहाल मैंने ये लगा रखा है और ये मुझे 20 मिनट्स तक लगाना है, तो इसके बाद मैं आपको ये क्लीन करके और तैयार होके सीधा मिलती हूँ और व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी हम जा रहे हैं दुर्गा पूजा में। और ये मैंने पहना है आज का आउटफिट, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये रहा मेरा आज का आउटफिट। वैसे मेरा साड़ी पहनने का मन था क्योंकि दुर्गा पूजा में साड़ी पहन के जाने में अच्छा लगता है, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे बंगाली साड़ी पहनते हैं, बट स्टिल ये भी अच्छा लग रहा है। लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही बचा था, जल्दबाजी में खाना वाना खा के अब हम तैयार होके जा रहे हैं अपने घर के आसपास वाली दुर्गा पूजा में, और अगर टाइम मिला तो मेले में भी चले ही जाएंगे। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको मम्मी की साड़ी जो मैं लाई थी जयपुर से, मॉडल दिखाओ, पल्लू दिखाओ, सिर्फ पल्लू ही अच्छा है इसका, बाकी तो मम्मी को इतनी खास लगी नहीं साड़ी, क्योंकि डिजाइन तो इसका बहुत अच्छा है बट ये बहुत ही सिंपल सी है डेली वेयर की, मतलब जैसे बोलते हैं ना प्योर, जैसे जयपुरी राजस्थानी वो नहीं है ये, वो वहाँ के लोग ऐसे डेली में पहनते हैं, मम्मी ऐसे डेली में पहन जाती है, बट आप अच्छे लग रहे हो, आप साड़ी ही पहना करो हमेशा, रेयर पहनते हो, बट थैंक यू। बैग ले लिया अपना, चलो बताओ उसको क्या पता कर। पता था और क्या, हर साल लगती है सोसाइटी के लड़के पता नहीं था कि आउटसाइडर्स जा सकते। मैं तो पान खाऊंगी खा ले खा के पान खा लेना जरूर, मीठा वाला। वाओ, देखते हुए चलेंगे ना, स्टॉल देखते हुए चलते हैं, फॉर्च्यून स्टॉल देखते हुए चलेंगे। हाँ जरूर, साड़ी देखा के बंगाली, हाँ है ना, ये देखो सरोजनी से ड्रेसेस ला के और यहाँ लगा दिए और महंगे बेचेंगे दो धागे, वो तो देख है ना, वो तो फिर एग्जीबिशन का मेरा धागा टंग गया क्या, तो ठीक कर ले पहले, ठीक ही है, दिखाओ एक बार, ग्रोसरी भी है ग्रोसरी ले लो, नहीं वैसे कपड़े तो धो धा के अच्छे रख रखे हैं, बंगाली कॉटन सिल्क अच्छी होती है, चंदन की लेनी है तो बताओ, लेनी है तो पहले चेक कर रहे हैं। गाइस आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे साड़ियों का शौक कहाँ से पड़ा है, मेरी मम्मी को देखो यहाँ देख स्टॉल में सारी साड़ियाँ ले रही हैं, अच्छी लग रही है बहुत, बंगाली साड़ी ये सिल्क है, सिल्क है कॉटन है, हाँ सिल्क है, सिल्क है मम्मी बहुत है। सब कुछ मिलेगा आपको इसमें, इतने में इतना ही मिलेगा, ब्लैक और याद होते हैं ब्लैक और वो कितनी चली है वो। गाइस फाइनली मम्मी ने एक साड़ी ले ली, अब चलेंगे हम पंडाल की तरफ, पंडाल उस तरफ लगा हुआ है पीछे, नहीं नहीं पूरा पंडाल, हाँ खुश खुश भाई का फोन पूजा से पहले ही आपने सामान ही ले लिया, आप भी मेरी तरह ही हो मम्मी, करने को जाते हो करके कुछ जाते हो सीरियसली। अब पंडाल में चल लो, आके ना मम्मी मेरी वीडियो बना देना ठीक है, आप ही बनाना, बट अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, यही उतारने हमने तो उतार दिया अपने चप्पल, वो तो 10 रुपए एक्स्ट्रा लगता। चलो आगे चलो, अभी आरती होने वाली है क्या, लाइन लग लाइन इधर, अच्छा ये दुर्गा पूजा की अपनी एक अलग खुशबू होती है, तो मैं डाल दूँ, अच्छा दान पात्र है, हाँ ये रहा ना दान पात्र, ले फिर तू इसमें से निकाल, चलो प्रसाद ले लो जल्दी,
वैसे ही टाइम पे मैं तो स्क्वीज हो गई मम्मी। इसको दे दीजिए मम्मी। मम्मी मुझे पेड़ा मिला, पेड़ा बन के पेड़ा मुझे येलो पेड़ा मिला, लड्डू पीला कलर। यस मैंने पहना हुआ है लड्डू पीला कलर, साथ में पहनी है बनारसी सिल्क का दुपट्टा। लेमन सोडा पियो, मीठा खा के खट्टा खा रहे हैं, पी रहे हैं, अजीब कॉम्बिनेशन। यहाँ कुछ तो परफॉर्मेंस चल रही है, बट ये बंगाली में बोल रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा। बंगाली में बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बंगाली में चलाएंगे तो क्या करेंगे हम? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ क्या देखना है, जो देखना कोई नहीं देखना, तो थोड़ी सी मेन क्या था, माता रानी के दर्शन करने को ले लो। भाई जब हम खा रहे हैं गोलगप्पे, 100 रुपए खुलने पड़ेंगे मम्मी। दे दो भैया एक गोलगप्पे का, पेटीएम ही कर देते हैं आप तो। डिजिटल इंडिया कतई ज्यादा ही डिजिटल इंडिया। हाँ तो आजकल तो डांस करने के लिए बैंड वालों को भी तो पेटीएम से दे रहे हैं, किसके ढोल पे लगा के रखते हैं पेटीएम में लगा रहे हैं, पेटीएम कर दिया बार पे जो होता है। लो पर्ची छोटे छोटे लेना मम्मी, कितनी अच्छी सजा रखी है ना, हमेशा ही जला देते हैं ये लोग लाइट्स ना, कॉमन है बट एटलीस्ट जला तो देते हैं टाइम पे। अपनी वाली तो तब जलेगी जब पूरा न्यू ईयर खत्म हो जाएगा। कथक, कथक डांस सोसाइटी का था तो नेचुरली पूजा पाठ का तो अच्छा ही होता है, बट मतलब जो भी है एक पीसफुल भी था। देखो एक साइड पीसफुल था जहाँ पे पंडाल था, वेरी फर्स्ट फ्लोर, यही तो है फर्स्ट, फिर क्या फर्स्ट, अरे वन आपको वन नहीं देगा, मतलब ये सही था एक तरफ। मैं आमरू हो गई हूँ, आमरू छे यूट्यूब पे। अच्छा वो चल रहा है गुड लक अपना, सब्सक्राइब करो, हैप्पी नवरात्रि शेयर करो, हैप्पी नवरात्रि, जय करा शेरा वाली दा बोल सच दा, जय माता दी, जय माता दी, जय काली बोलो दुर्गा माए की जय। हम थर्ड फ्लोर पे पहुंच गए, अरे बातों बातों में बात पता ही चल गया कि हम थर्ड फ्लोर, बातों बातों में पता ही नहीं लगा, पता ही चल गया कि हम थर्ड, पता ही चल गया अभी भी थर्ड ही है, फर्स्ट दबा रहे हो अभी, हम तो यही रुक जाएंगे ऐसा लग रहा है। आज हमारी फिर से पता चला कि हम यही है, आज हमारी रात यही लिफ्ट में जाने वाली है, नहीं गरबा कर लेते हैं। यार लग भी वैसे ही रहे हो हमें पता है, टपूगे पापा ढोली रा ढोले रे बगाड़ी मारे, ये डोप भाई की जी डोप ही उठा पड़ ऐसे बोल दाया। चलो अब चलते हैं, बस हो गया फाइनली फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, घर चलते हैं अपना। करना जरा गरबा, ये देखो एक तो हाथ में इतना सामान लेके गरबा करो, करते चलो यहीं कर दो आप गरबा करो। बस 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 बुका फट, ये भी देख रहे हैं क्या हो गया मम्मी को क्या। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, मम्मी को अकेले को क्या हुआ या पूरी दुनिया को हो रहा है। हाँ ये तो है ही, ये 9 दिन तो सबके ऐसे ही है।